गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो को बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्स दिया, इसके लिए भी ए लॉट ऑफ थैंक्स। आइए आज हम लोग नेक्स्ट क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और जैसा हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा प्राचीन भारत का इतिहास, उसी के संदर्भ में एक दूसरा पॉइंट था प्राचीन भारतीय इतिहास के सोर्स। इस सोर्स को समझने के लिए कितने महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं उसको बारीकी से ध्यान से समझें। आइए देखते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट भाग है साहित्यिक साक्ष्य, जिसके दो पार्ट्स हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य क्या है, किसको बोलेंगे धार्मिक साहित्य? जिसमें ब्राह्मण तथा ब्राह्मणोत्तर साहित्य की चर्चा की जाती है उसी को हम धार्मिक साहित्य बोलते हैं। उदाहरण स्वरूप देखिए, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ किसको बोलेंगे? तो वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ, इन सब को हम ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। जब हम वेद को डिफाइन करेंगे तो वहाँ पर जाकर देखेंगे कि वेद का चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, वेद का रचयिता कौन है और वेद का वास्तविक में कितना महत्व है, उस चीज़ को हम इस ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत बहुत ही इनलार्ज वे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ क्या है, मतलब इस ग्रंथों के बाद, मतलब ब्राह्मण ग्रंथ के बाद जो रचना हुई है, जैसे जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ, इस सब के बारे में हम धार्मिक साहित्य के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य क्या है? तो जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं वे सब लौकिक साहित्य हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत जीवनी, कल्पना प्रधान साहित्य और गल्प साहित्य का वर्णन आता है लौकिक साहित्य के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ किसको बोलेंगे? जो भी वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत, मतलब वैदिक कालीन जितनी भी ग्रंथ हैं वे सब धर्म ग्रंथ हैं। आइए देखते हैं वैदिक धर्म ग्रंथ या ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। वैदिक धर्म ग्रंथ को हम ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी बोलते हैं। इसके चार भाग हैं, वेद, उपनिषद, महाकाव्य, स्मृति ग्रंथ, ये सब ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। इसी धर्म ग्रंथ का एक दूसरा पार्ट है जैन ग्रंथ और नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ। जैन ग्रंथ में कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो जैन ग्रंथ में हम तीन सूत्र को पढ़ते हैं, एक कल्प सूत्र, भगवती सूत्र और अचरांग सूत्र। ये तीन मतलब समराइज है, और भी सूत्र हैं लेकिन जैन ग्रंथ का ये तीन परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कल्प सूत्र का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। भगवती सूत्र का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। अचरांग सूत्र का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं धर्म ग्रंथ के अंतर्गत ही बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ में कौन कौन सी रचनाएं हैं उसको देखिए, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, जातक, बुद्ध चरित्र, ये सब जितनी भी ग्रंथ अभी आपने देखा ये सब धर्म ग्रंथ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक साहित्य। ऐतिहासिक साहित्य क्या है? तो ऐतिहासिक, जैसे हम इतिहास को तीन भाग में बांटे थे, इतिहास के काल को, ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जितनी भी रचनाएं हुई हैं, ऐतिहासिक काल में आपने वैदिक काल देखा, तो वहां पे उस काल के बाद में हम जैसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं, तो उत्तर वैदिक काल के बाद जितनी भी रचनाएं हुई हैं वे सब ऐतिहासिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो राजतरंगिणी, जो कि कल्हण द्वारा रचित है, पृथ्वीराज रासो की चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो जिसके लेखक हैं चंद्रवरदाई, हर्ष चरित्र लेखक हैं बाणभट्ट, मुद्रा राक्षस लेखक हैं विशाख दत्त, और अर्थशास्त्र जिसके लेखक हैं कौटिल, और अभिज्ञान शकुंतलम जिसके लेखक हैं कालिदास। तो ये सारी की सारी साहित्यिक सोर्सेज हैं जिसको कि हम ऐतिहासिक साहित्य के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा विदेशियों का विवरण, जो कि जितने भी विदेशी प्राचीन काल से हमारे देश में आए हैं उस सब के द्वारा कुछ न कुछ ग्रंथों की रचना की गई है। जैसे अगर आगमन को अगर देखें तो यूनानी आए हमारे देश में, चीनी आए, तिब्बती आए, अन्य ऐसे ईरानी लेखक आए, अरबी लेखक आए, तो इन सब के द्वारा कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की गई है, उस सब को हम इस विदेशियों का विवरण वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा पुरातात्विक सोर्स।
पुरातात्विक सोर्स के अंतर्गत हम अभिलेख, मृदभांड, शिल्पकला, इस सब को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। इस वीडियो में भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास के सोर्स का जो इम्पोर्टेंट 5 पार्ट्स था उसको हमने समराइज वे में देखा। और जब हम ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत आएंगे तो वेद जो है इसका 4 भाग को पढ़ेंगे, फिर उपनिषद को समझेंगे, महाकाव्य जो कि रामायण और महाभारत हैं उसका क्या योगदान है उसको पढ़ेंगे, स्मृति ग्रंथ, मनुस्मृति, ये सब क्या है, तो इस सब चीज़ को समझेंगे। तो वेद में, वेद वाला जो हमारा ब्राह्मण ग्रंथ वाला जो सेक्शन रहेगा उसमें वेदों की रचना कौन किया, फिर उसके अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, उसका ब्राह्मण ग्रंथ, उसका ब्राह्मण ग्रंथ और फिर अन्य जो भी उससे रिलेवेंट ग्रंथ हैं उसको पढ़ने वाले को क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ें हम ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक सोर्स को देखेंगे। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें और इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और अपना जो भी समस्या हो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया उस पर जरूर अपना प्रॉब्लम को शेयर करें। धन्यवाद।